पर परिधान है नवग्रह के सरताज। शनि देवता राखिए भक्त जनों की लाज। रूप चतुर्भुज आपका और वरण है श्याम। चरण शरण में आए जो बनते उनके काम। सूर्य देव पितु आपके अरुछाया है माँ। यमुना बहन है आपकी अरु यम आपके भ्रां। एक हाथ त्रिशूल है गदा दूसरे हाथ। और दो बाकी हाथ है वर मुद्रा में ना। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरताज। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरताज। माथे मुकुट है स्वर्ण का गलमोतन की माँ। हे शनि देवा आपकी भ्रकुटी है विकराल। शनि देवता आप हो कागा के असवा। चरण शरण में आए जो करते बेड़ा पार। लोहा तिल अरु तेल उड़द आपको परम सुहाय। शनिवार को भक्त जन आपको भोग चढ़ाए। शनिवार को जो करे तेल उड़द का दान। जीवन में पा जाते हैं भक्त वही सम्मान। जय जय शनि महाराज। दृष्टि से आपकी भक्त सभी डर जाएं। जन्म जन्म के कर्मों का फल तुरंत मिल जाए। कह कहीं पर दृष्टि पड़ी मति दई भरमाए। पत्नी भाई संग राम जी वन में दिए भिजवा। दशरथ पर दृष्टि पड़ी मिला पोत्र कवियो। राम राम कह मर गए कैसा विधि कायो। राम पे दृष्टि डाल के वन में दिया भिजवा। नंगे पैरों वन फिरे साधु वस्त्र पहना। जय जय शनि महाराज। दृष्टि जब सीता पर वन में गई चुरा। पति वियोग में जान की राम राम चिल्ला। डाली लखन पे दृष्टि तो शक्ति लगी थी अपार। मूर्छित हो धरा गिर गए राम रोए बेजार। भक्त दृष्टि को घुमाए के मेघनाथ दैडा। लक्ष्मण जी को बना दिया मेघनाद काका। रावण पर दृष्टि पड़ी सीता लई चुरा। अग्निबाण से तुम प्रभु रावण को मरवा। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरताज। Oh, oh, oh.
दृष्टि से बच नहीं पाया। अपने अपने कर्मों का फल शनि जी से पाया। वन वन भटके पांडव सब राजपाट लिया छी। महलों में पलने वाले बने दीन और ही। राजपाट और पत्नी सब जुए में गए थे हाँ। रूखा सूखा खा रहे पांडव थे आहा। द्रौपदी पर दृष्टि पड़ी हुआ सभा में अपमान। दुशासन साड़ी खींच रहा दूषित कर रहा मां। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। पर दृष्टि पड़ी मती गई बोरा। राजपाट छिन भाइयों से युद्ध है करने आ। एक एक कौरव मर गया कुल का हो गया ना। पांडव देखो बन गए कौरव काल कपास। हरिश्चंद्र पर दृष्टि पड़ी नारी दैविका। डोम के घर एक राजा से शनि पानी भरवा। डोम का काज करा रहे हरिश्चंद्र महाराज। अपना पुत्र चलाने को मांगे मजूरिया। जय जय शनि ने शनि आपकी ऐसा करा कमाल। विक्रमादित्य से राजा का कर डाला बुरा। राजपाट छुड़वा दिया वन वन में भटका। तेली के घर राजा से कोलू थे पिलवा। राजा के सिर धरवाया चोरी का इल्जाम। हाथ पैर तुड़वाई के दिए थे कष्ट तमाम। राजा ने शनि नाम लिया गाया दीपक रा। भक्त दृष्टि को हटाई के लौटाए सब था। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो वाहन आपके शनि देवा है सुजान। अलग अलग फल देते हैं कहते वेद पुराण। गज वाहन असवार हो लक्ष्मी ग्रह आ जाए। गर्धब जब असवार हो आनी बहुत कर जाए। सिंह सवारी आपकी सिद्ध करे सबका। जम्बुक भक्त की बुद्धि का कर देता है बिना। मृग सवारी आए जो हर लेते हैं प्राण। स्वान सवारी आपकी चोरी का आवाम। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। Oh,
चरण है आपके स्वर्ण लौह चांदी ताम। जैसे चरण आए प्रभु वैसा बनाए काम। लोहा चरण जब आए तो ओ संपत्ति का नाश। ताम्र चरण प्रभु आपका करता सब शुभ का। स्वर्ण का चरण है आपका अति शुभ फल दे जा। चांदी चरण प्रभु आपका सगरे काज बना। साढ़े साथी आपकी कर्मों का फल दे। आत्मा को ये शुद्ध करे कष्ट सभी हर ले। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। शनिवार ग्रह आपने पंडित जो बुलवा। शनि चालीसा पाठ करे मुक्ति का फल पा। काले तिल और तेल उड़द शनि को कराए स्नान। काला कपड़ा दान दे पाए सभी सम्मान। शनि दान महादान है कर लो शनि का दान। जीवन में सुख भोग के जाओगे शनि के धाम। शनि मंदिर की मिट्टी से चंदन तिलक लगा। शनि प्रेम का पात्र बने शनि कृपा मिल जा। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। जय जय शनि महाराज तुम ग्रहों के हो सरदार। श्री बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें श्री बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। मेहंदीपुर के था केवल वन, हिंसक जीवों का उसमें खोया रहता था मन। चारों तरफ दिखाई देती थी बस हरियाली, धीरे धीरे हवा सदा बहती थी मतवाली। लगता था सावन की है इसमें पहरेदारी, कुहू कुहू कोयलिया गीत सुनाती थी प्यारी। लेकिन उसके आस पास के गांवों में हर घर चोर डाकुओं बदमाशों का रहता बड़ा ही डर। इसीलिए सब भय से निश्चिंत समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहंदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो
रूप दिखाया है। उठकर खड़े हुए तो उनको नहीं था कुछ भी होश, उसी अवस्था में बढ़ चले वो आगे हो बेहोश। नहीं पता था उनको कि वो कहाँ जा रहे हैं, ये भी नहीं पता था कहाँ से अभी आ रहे हैं। बस लीला एक बाबा जी ने देखी है न्यारी, ज्योति हजारों सन्मुख बढ़ती आ रही अति प्यारी। एक फौज है जिसमें हाथी घोड़े शोर मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। आकर के उस फौज ने बालाजी को किया प्रणाम, और बालाजी ने दिया आशीष तमाम। फौज जिस तरफ से आई थी फिर तो वहीं है गई, ज्योति भी उस फौज के साथ में वहीं विलीन हुई। देख रहे थे बाबा जी सब दृश्य खड़े होकर, कुछ डर मन में लगा तो वो सोने लगे घर आकर। वही दृश्य उनकी निगाह में आता बारंबार, नींद लगी तो देखा उन्होंने प्रभु जी का दरबार। बालाजी प्रेतराज उन्हें मंदिर भव्य दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। गूंज रहा था शब्द एक ही कानों में प्यारा, संभालो अब पूजा का तुम हमारा। मैं कलयुग में लीलाओं का करूंगा अति विस्तार, जिसको आगे चलकर जाने का सारा संसार। किंतु अंधेरे में कोई भी नजर न आता था, बालाजी का चमत्कार अति बढ़ता जाता था। बाबा जी ने इस पर भी जब दिया नहीं है ध्यान, तब बालाजी ने उन्हें दर्शन दिया स्वयं ही आन। बाबा बालाजी के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। दूसरे दिन बाबा जंगल में गए हैं मंदिर पास, उन्हें वहां पर और दिनों से हुआ अलग एहसास।
घंटे और घड़ियाल नगाड़े मधुर बज रहे थे। मंदिर स्वर्ग लोक के जैसे दिव्य सज रहे थे, किंतु वहां पर अन्य कोई भी नजर न आता था। बाबा जी का भोला मन कुछ समझ न पाता था। फिर बाबा ने गांव में अपने सबको बुला करके बात बताई लोगों को सारी समझा करके। सुनकर श्री बालाजी का जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिल मुँह मांगा वरदान। कुछ भी समझ नहीं आया, सज्जन थे जो उनके मन को तो यहाँ अति भाया। बालाजी का जहाँ हुआ था मूर्ति रूप अवतार, आके करने लगे लोग वहाँ पूजा विविध प्रकार। कुछ लोगों ने सोचा कि ये कला है कोई महान, तो फिर बालाजी हो गए हैं वहां से अंतर ध्यान। फिर भक्तों ने क्षमा प्रार्थना की उनसे जाके, तो बालाजी मूर्ति रूप में प्रकटे फिर आके। यह दृश्य देख कर भक्त सभी हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिल मुँह मांगा वरदान। बालाजी के चरणों में है प्यारा, हृदय से लगातार है बहती उनके जलधारा। यहाँ रहस्य कोई भी अब तक जान नहीं पाया, भक्त इसे कहते हैं श्री बालाजी की माया। प्रेत राज भैरो बाबा बालाजी का है वास, वही समाधि वाले बाबा का फिर हुआ निवास। बालाजी ने बाबा को जब स्वप्न दिखाया था, बाबा ने एक राजा को यह बात बताया था। राजा इसको पाखंड अंधविश्वास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिल मुँह मांगा वरदान। राजा ने जा कर के वहां पर खुदवाया चहुओर, किंतु मूर्ति का पाया ना कहीं भी कोई छोर। हार मान कर राजा ने है क्षमा दान मांगा, अपना अहंकार प्रभु के चरणों में है त्यागा। देखा जब बालाजी ने राजा का पश्चाताप, फिर तीनों मूर्तियां प्रकट हो गई हैं अपने आप। राजा बालाजी के चरणों में गिर जाते हैं, बाबा जी को वहां का सेवक खास बनाते हैं। फिर
भक्त लोग उस जगह पे निशदिन आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। श्री गोसाई जी ने से आज्ञा मांगी, फिर समाधि लेकर अपनी देह वहीं त्यागी। बालाजी ने उनकी इच्छाओं को स्वीकारा, उनके वंशज को पूजा का भार दिया सारा। 1000 वर्ष पहले वहां प्रकटे थे भगवान, महादेव के 11वें अवतार ज्ञान के खा। कहते हैं जो भी बालाजी के दर पे जाता, खाली झोली भर जाती, मन चाहा फल पाता। बालाजी भक्तों के सारे दुख दर्द मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। अंजनी के जो है आंखों के तारे, पवन पुत्र श्री सिया राम जी के हैं अति प्यारे। वही वीर बजरंग बली है कलयुग में आए, राजस्थान के दौसा में बालाजी कहलाए। हनुमान के बाल रूप का यहाँ पे होता ध्यान, संत सिद्ध सुर नर मुनि सब करते हैं नित गुणगान। पाप ताप संताप सभी बालाजी हरते हैं, बीच भंवर से नैया उलझी पार ये करते हैं। बालाजी भक्तों के बिगड़े सब काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। के दर्शन करके पावन हो जाते हैं तन मन और जीवन। भूत प्रेत बाला के नाम से थर थर करते हैं, रोग दोष ग्रह सभी नाम से इनके डरते हैं। बालाजी का नाम भाव से जो नित गाता है, जन्म मरण की बंदी से छुटकारा पाता है। डीएस पाल सानंद सदा बाला को झुकाता शीश, कृपा निरंतर बनी रहे मांगे बस यही आशीष। मेहदीपुर वाले को नित भक्ति से ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मेहदीपुर धाम बना कैसे ये बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मुँह मांगा वरदान। Thank you.
की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजन पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थाल कपूर की छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय जय श्री
शनि देवा भक्तन के हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु, सूरज के पुत्र प्रभु छाया बह तारी। जय जय श्री शनि देवा, शीश रजित दीपक है निलारी, स्वामी दीपक है निलारी। मुक्तन की माला गले, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि।